नमस्कार मुलोपा आगक रज आसुची रजरे सब ओडियांको घरे बहुत प्रकार पिठापणा तयारी हुए से गोटे बहुत ही फेमस पिठा हेउची काकरा पिठा आपण माने सब बेले साधा काकरा पिठा बनेगी खाउथिबे आज आम किंतु नॉर्मल काकरा पिठा बनेबानी कदळी रे काकरा पिठा बनेबा आउ ए कदळी काकरा पिठा रो टेस्ट नॉर्मल काकरा पिठा थारो बहुत ही टेस्टी रहिबो। फास्ट रे ए पिठा को बनेबा एथिरे मु चारिटा पाचिला कदळी नेइची ए काकरा पिठा पई आमे जो पुर बनेबा ताको आमे कदळी रे बनेबा मु एथिरे चारिटा बड़ साइज रो पाचिला कदळी नेइची जदि आपण माने छोट साइज रो कदळी नउचंती ताले 6टा कदळी नेबे ए कदळी को मु गुटे कंटा चमच रे मैश कर नउची ए कदळी को आपण माने ग्राइंडिंग करके पेस्ट करिवेनी आमे जो कदळी रो पुर बनेबा आमको पेस्ट दरकार नै हल्का हल्का छोट छोट पीस भी रहिबो सेति पई एमतिका चमच रे किंबा मैसरे मैश कर नेबे तापर ए कदळी को मु गुटे कड़ई दे दउची तापर सेथिरे मु हाफ गिना रो टिके अधिक चीनी दउची आपण माने मीठा पई चीनी जगह रे गुड़ भी नै पारिबे मीडियम फ्लेम रे आमे कदळी आउ चीनी को कुक कर नेबा चीनी पुरा भलो से मेल्ट हे गला पोरे कदळी रु बहुत ही पानी बाहरिबो सेथि पई तापर आमे हाई फ्लेम रे कुक करिबा फास्ट रे आमे चीनी आउ कदळी को 4 रु 5 मिनिट पई कुक कर नेबा तापर एथिरे आमे कोरा नडिया ऐड करिबा एथिरे मु बड़ गिना रे गोटे गिना नडिया कोदा देछि एई नडिया कोदा को कदळी सहित भलो भाबरे मिसै नेबा तापरे एहा को आमे 5 टू 7 मिनिट पई मीडियम टू हाई फ्लेम रे कुक कर नेबा एठी आमे पुर को ड्राई करिवार अछि 5 टू 6 मिनिट नडिया आ कदळी को भाजिला परे सुखिला हे आसिलानी एई पुर रो कंसिस्टेंसी को आमे एम्तिका हे रखिबा तापरे एथिरे मु फ्लेवर पई गोटे चमच गुजराती आ गोलमरीच रो पाउडर दउछि आ एहा को भलो से मिसै कि गैस को ऑफ कर देबा एबे आमर पिठा रे स्टफिंग देबा पई कदळी पुर रेडी हि जैछि तापरे एई पुर को आमे ठंडा हे पई छाड़ देबा पुर पुरा भलो से ठंडा हे गला परे जाई कि आमे ताको पिठा रे स्टफिंग देई पारिबा तापरे आमे पिठा पई जंतुणी को तयारी कर देबा गोटे कढ़ई रे मु फास्ट रे 2 चमच रिफाइन तेल दउछि सेथिरे 2 गिना सुजी दउछि एई पिठा को आज आमे सुजी रे बनेबा एहा को आमे मीडियम फ्लेम रे 2 रो 3 मिनिट पई भाजी नेबा सुजी को बेसी समय भाजी की जमा भी लाल करिवेनी सुजी को जदि बेसी समय भाजी देबे ताले से जंतुणी हेई पारिबनी हालुआ टाइप रो होई जिवो सुजी को अल्प टिके एम्पला भाजी देले सुजी रे कंचा स्मेल रहिबनी एबे हमरो सुजी भाजीबा 2 मिनिट हे गलानी गैस को ऑफ कर देबा आउ ताको गोटे प्लेट को बाहर कर नउची एबे मु कढ़ई रे पानी दउची एथिरे मु 4 गिना पानी दउची सुजी आमे 2 गिना नैथिले 2 गिना सुजी पई 4 गिना पानी नैछि एही पानी रे एबे देबा स्वाद अनुसार लुण हाफ चमच गुजराती पाउडर गोटे चमच पानमहुरी पाउडर गोटे चमच घी एही गुजराती पाउडर आउ पानमहुरी पाउडर रे पिठा रे बहुत ही भलो टेस्ट आसीबो तापर एथिरे मीठा पई गोटे गिना गुड़ दउची गुड़ जगह रे आपण माने चीनी भी नै पारिबे हाई फ्लेम रे एबे पानी को फुटिया पई छाड़ देबा पानी रे गुड़ जेंतिका भलो भाबरे मिसी जिवो 3-4 मिनिट पानी फुटी गला परे गुड़ पानी रे पूरा भलो भाबरे मिसी जाईची एबे एथिरे आमे सुजी को ऐड करिबा गैस रो फ्लेम को पूरा सिम कर देबा तापरे आमे सुजी को पकेइबा गोटे हाथ रे सुजी को पकौथिबा आ गोटे हाथ रे आमे चलेई चलथिबा सुजी को चलेबा जब भी बंद करिबानी न जंतुणी रे लम्स पड़ जिवो 4-5 मिनिट चलेया परे जंतुणी एठी हमर मोटा हे आसिलानी एबे हमर जंतुणी गोटे डो शेप रे आसी गलानी जंतुणी कढ़ई रे जमा भी लागुनी पूरा छाड़ी छाड़ी पड़ुची जेहेतु सुजी को आमे आगरु टिके भाजी देथिले सेथिपई जंतुणी एठी हमर पूरा सिझी मध्य जाईची एबे आमे गैस को ऑफ करिके जंतुणी को गोटे प्लेट को बाहर कर नेबा तापरे तेल हाथ हे तापरे तेल हाथ हे कि आमे एहा को चकटिके स्मूथ कर नेबा जंतुणी रे जदि किछि भी बिंडा बिंडा थिबो ताले से स्मूथ हे कि चिकण हे जिवो जंतुणी जदि भलो से स्मूथ हे थिबो ताले जते बेले आमे पिठा को गढ़िबा पिठा फाटिबनी साइड साइड रे क्रैक आसिबनी एबे हमर जंतुणी टी पूरा चिकण आ स्मूथ हे जाईछि तापरे एठी हमर कदळी पुर भी पूरा ठंडा हे जाईछि आउ ए कदळी पुर रो कंसिस्टेंसी मध्य एम्तिका हेबा दरकार आमे जेंतिका ए पुर को पिठा भितरे स्टफिंग देई पारुथिबा स्टफिंग बाहर को आसीबा कथा नुह तापर आमे पिठा गुड़ी को गढ़ी नेबा तेल हाथ हे कि जंतुणी रु किछि नै कि फास्ट रे गोटे बॉल तयारी करिबा तापर से बॉल को गोटे बाउल रो शेप देबा तापर अल्प पुर नै कि बाउल भितरे दे कि पिठा को सील कर नेबा चेष्टा करिबा पिठा हमर पूरा चिकण हेबो क्रैक रहिबोनी
ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛିଟା ପିଠାକୁ ଗଢ଼ି ନେଇଛି। ଏଇ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଛାଣି ନେବା। ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ବି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତେଲ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏଠି ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡିୟମ୍ ଟୁ ହାଇରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି କରିଛେ ସେଥିପାଇଁ ପିଠା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲାଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ହାଇ କରିବେନି, ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଛାଣିବାର ଅଛି। କଡ଼େଇରେ ଯେତିକି ପିଠା ଧରିବ ସେତିକି ହିଁ ପିଠା ପକାଇବେ, ଅଧିକ ପକାଇବେନି। ବେଶୀ ଗୁଡ଼େ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପିଠା ପକାଇଦେଲେ ପିଠାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ସେ ଫୁଲି ପାରିବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଟ୍ ବାଲା କଡ଼େଇ ନେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବେଶୀ ଗୁଡ଼େ ପିଠା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଛାଣିପାରିବେ। ଆଉ ପିଠାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗିବନି। 3-4 ମିନିଟ୍ ଛାଣିଲା ପରେ ପିଠାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ଛାଣିକି ବାହାର କରିନେବା। ଏମିତିକା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଠା ଭିତରେ କଦଳୀ ପୁରର ଷ୍ଟପିଂ ଦେଇଛେ ସେଥିପାଇଁ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଏହି ପିଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯଦି ଏହି କଦଳୀ କାକରାର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାହେଲେ ଯାହା ବି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବେ। ପୁଣି ମୁଁ ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।